वेलकम टू नील एजुकेशन टेंपल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले जो वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूव होने वाली हैं, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं, वो आपको मिलती रहें। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लॉकडाउन के दौरान जो भी परेशानियां बच्चों ने झेली हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस आपके पास आएंगे और किसी भी तरह की जो हेल्प बुक और ट्यूशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके पास डिलीवर होगा और आप लोग भगवान से यही प्रार्थना है कि अच्छे नंबरों के साथ पास हो और यही कोशिश रहेगी कि आप अच्छे तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो शुरू करते हैं। आज हम जो है इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड है जो कि जीएल फ्लुएंट्स में लिखा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैं इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और इसकी स्टोरी भी मैंने हिंदी में बता दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये जो है इसका पार्ट थ्री है। मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैंने बहुत ही इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को दो या तीन बार देख लेते हैं तो आपको किसी हेल्प बुक की जरूरत नहीं होगी और आपको इस वीडियो से ही ये क्वेश्चन लर्न हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड एप्ट एंड सुटेबल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इसका टाइटल करेंगे कि हमने बताना है कि इसका शीर्षक उचित है या नहीं। हम हिंदी में भी क्वेश्चन करते हैं, हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा जाता है कि इसके शीर्षक की उपयुक्तता बताइए या ये शीर्षक इसका उचित है या नहीं है। तो ये हमने बताना है। तो यहाँ यही चीज पूछी गई है आपसे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपने इसको समझना है। सो आंसर इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज क्वाइट एप्ट। जो इस कहानी का शीर्षक है लेटर टू गॉड बहुत उचित उपयुक्त है। देखिए इसकी जगह कोई भी लेसन होता, अगर आपसे किसी भी लेसन का जो है टाइटल पूछा जाए तो आपको पहली लाइन यही लिखनी है। सिर्फ आपने लेसन का नाम चेंज करना है, जो भी नाम आपसे पूछा जाएगा आपने यहाँ पे वो नाम लिख देना है कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्वाइट एप्ट, ये बिल्कुल उचित है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा क्योंकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप लोग नोट डाउन करते रहे और आपको जो क्वेश्चन लर्न करने में आसानी होगी। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। रिवॉल्व्स होता है घूमना, अराउंड होता है इसके चारों तरफ, कि जो पूरी कहानी इसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। Lancho finding himself and his family in dire situation after his crops perish writes a letter to God in all innocence. अब देखिए सेंटेंस को देखिए, दो तीन सेंटेंसेस से बना है। Lancho जो है अपने आप को और अपने पूरे परिवार को एक मरने की स्थिति में पाता है। कब? After, बाद में। किसके बाद में? जब उसके his crops perish, जब उसकी crops बर्बाद हो जाती। देखिए ये perish word जो है तीसरी दफा आया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या है इसका मीनिंग। perish का मीनिंग जो है बताइएगा कि क्या होता है। यहां मैं आपको बता देती हूँ, पैरिश का मतलब होता है खत्म होना, बर्बाद होना, बिल्कुल मर जाना।
जो उसकी क्रॉप्स थी, उसकी फसलें थी लेंचो की, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। उसके बाद उसके जो वो अपने आप को और अपने परिवार को पूरी मरने की स्थिति में पाता है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड इन ऑल इनोसेंस। इनोसेंस होता है भोलापन, बड़े ही भोलेपन में वो भगवान को पत्र लिखता है। अब वो पत्र देखो लिख रहा है, उसमें वो क्या कहता है, ही डिमांड्स 100 पीसोस फ्रॉम गॉड। भगवान से वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। अब ये पीसोस क्या है, ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है, लैटिन अमेरिका की करेंसी है, उस वहां पीसोस बोला जाता है। एंड मेल्स हिज लेटर, और भगवान को पत्र भेज देता है। दिस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द पोस्ट मास्टर। अब ये जो पत्र है, भगवान के पते पे लिखा गया है, वो पोस्ट मास्टर के ध्यान को आकर्षित करता है। द पोस्ट मास्टर रियलाइजेज द फर्मनेस ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के भगवान में दृढ़ विश्वास को, विश्वास की दृढ़ता को महसूस करता है। रियलाइज क्या होता है, महसूस करना, अनुभव करना। फर्मनेस होता है दृढ़ता, और फेथ क्या होता है, विश्वास। आगे बढ़ते हैं। ही पुट्स इन सिंसियर एफर्ट्स, वो बड़ा ही गंभीर, सिंसियर में बहुत ज्यादा गंभीर होके एफर्ट, कोशिश। कौन, पोस्ट मास्टर। वो जो है बड़ा ही गंभीर होकर प्रयत्न करता है। एंड पुट्स मोर देन हाफ द अमाउंट, और अपना कितना पैसा निकालता है, हाँ आधे से ज्यादा, डिमांडेड बाय लेंचो, जितना लेंचो ने डिमांड किया था उसके आधे से ज्यादा। यानी कि लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड की थी, अब उसने जो है 70 पैसे जुटा लिए, 70 पीसोस जुटा लिए, यानी मोर देन हाफ हो गए ना, इन एन इनवेलप टू बी गिवन टू लेंचो, और एक जो लिफाफे में डाल के लेंचो को भेज देता है। ऑन रिसीविंग द अमाउंट, अमाउंट होता है वो पैसे, रिसीविंग होता है प्राप्त करने के, जो पैसे हैं वो प्राप्त करने पर लेंचो गेट्स एंग्री, एंग्री होता है गुस्सा, लेंचो गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। एंड और फील्स दैट गॉड मस्ट हैव सेंट हिम 100 पीसोस, और क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है, मस्ट मतलब पक्का, हैव सेंट भेजा, सेंट होता है भेजना, कि भगवान ने पक्का 100 पीसोस भेजे होंगे। एंड दैट द पोस्टल स्टाफ मस्ट हैव चीटेड हिम, और या फिर मस्ट हैव मीन्स पक्का। अब पोस्टल स्टाफ, ये जो डाकखाने का स्टाफ है, इन्होंने पक्का मेरे साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल। अब वो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है, और उनको भगवान को क्या कहता है, भगवान को बचे हुए पैसे डाकखाने के द्वारा भेजने से मना करता है। दस इस प्रकार, दस होता है इस प्रकार, द फर्स्ट लेटर टू गॉड इलस्ट्रेट फेथ इन गॉड। भगवान जो पहला पत्र लिखा गया है वो भगवान में विश्वास की दृढ़ता को दिखाता है, भगवान में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। द सेकेंड शोज, जो दूसरा पत्र है वो क्या शो करता है, दिखाता है द लैक ऑफ फेथ। लैक होता है कमी, विश्वास की कमी इन फेलो ह्यूमन बींग्स, मानव में, मनुष्य में विश्वास की कमी को दिखाता है। पहला पत्र भगवान में दृढ़ विश्वास को दिखाता है, और दूसरा पत्र मनुष्य में विश्वास की कमी को दिखाता है। कंक्लूजन है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट द टाइटल इज एन एप्ट एंड सुटेबल। अंत में हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है, शीर्षक है, बहुत ही उपयुक्त और उचित है। तो ये हमारा टाइटल का क्वेश्चन था।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत हो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।